जैसा कि हम सब जानते हैं, यजीद बिन मुआविया, जिसे उर्फ आम में यजीद अव्वल के नाम से जाना जाता है, अमवी खिलाफत का दूसरा खलीफा था, जिसने उमर बिन साद की क़ियादत में फौजी दस्ते पैगंबर इस्लाम के नवासे हुसैन के लश्कर से लड़ने के लिए भेजे। करबला की जंग खत्म होने के बाद और उसके लश्करों ने हुसैन रजी अल्लाह अनहु के लश्कर को शिकस्त दी थी, जो सिर्फ हुसैन रजी अल्लाह अनहु के वफादार रिश्तेदारों और साथियों पर मुश्तमिल है, बहुत से लोग नहीं हैं। नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत ने उम्मत मुस्लिमा के गुस्से को भड़का दिया। यजीद की हुकूमत को इब्न अल-ज़ुबैर की तरफ से बड़े पैमाने पर बगावत का सामना करना पड़ा। इब्न अल-ज़ुबैर ने नए खलीफा के इंतखाब के लिए शूरा का मुतालबा किया। यजीद ने इब्न ज़ुबैर को अपनी बैत पर आमादा करने के लिए मुख्तलिफ तहाइफ और वफूद भेजे, लेकिन ज़ुबैर ने साबित कदमी से इनकार किया। इस इनकार पर खामोश ना रहे, यजीद ने इब्न अल-ज़ुबैर के भाई उमरों की क़ियादत में एक फौज उसको गिरफ्तार करने के लिए भेजी। यजीद की भेजी हुई जमात को शिकस्त हुई और उमरों को गिरफ्तार करके कत्ल कर दिया गया। यजीद की हुकूमत की मुखालफत के लिए इब्न अल-ज़ुबैर का असर मदीना तक भी फैल गया। यजीद की हुकूमत के खिलाफ मदीना के लोगों की मुजाहमत भी अमवी हुकूमत की कारकर्दगी, खास तौर पर ज़री मंसूबे जिसने उनकी ज़मीनें जब्त कर ली थीं, से इनकी मायूसी की तहरीक थी। यजीद, जो मदीना में होने वाली बगावत से वाकिफ था, उसने मदीना के मुअज़्ज़ज़ीन को दमिश्क आने की दावत दी और उन्हें तहाइफ देकर कायल करने की कोशिश की। वो बिल्कुल भी कायल नहीं थे। इसके बजाय उन्होंने मदीना वापसी पर यजीद के शाहाना तर्ज जिंदगी का तस्करा किया। अब्दुल्ला बिन हिंजिल्ला की क़ियादत में मदीना के लोगों ने फिर यजीद की बैत तर्क कर दी और यहां तक के गवर्नर यजीद के चचाजाद भाई उस्मान बिन मोहम्मद इब्न सुफियान को मुतबदर कर दिया। इसके बाद यजीद ने मदीना को फतह करने के लिए उम्र की क़ियादत में 12,000 फौज भेजी। मदीना के लोगों और यजीद की फौजों के दरमियान मुस्लिम इब्न अकबा की कमान में 26 अगस्त 683 को जंग शुरू हुई। इस जंग को उर्फ आम में जंग हिरा के नाम से जाना जाता है। इस जंग में अहल मदीना को शिकस्त हुई। इसके बाद यजीद की फौजों ने मदीना को बरतरफ कर दिया और रहनुमाओं को कत्ल कर दिया गया, हालांकि उनमें से कुछ पहले ही मैदान जंग में मर चुके थे, जैसे कि इब्न हिंजिल्ला। यजीद की फौज ने बाकी बागियों को भी यजीद की तजदीद बैत पर मजबूर किया। इसके बाद यजीद की फौज इब्न अल-ज़ुबैर को जेर करने के लिए मक्का मुकर्रमा की तरफ रवाना हुई, हालांकि हकीकत में इब्न अल-ज़ुबैर पहले ही अपने आप को इस इलाके का हकीकी रहनुमा बना चुका था। इसके बाद यजीद की फौज ने मक्का का कई हफ्तों तक मुहासरा किया और मुहासरे के दौरान कबा के गिलाफ को आग लग गई। नवंबर 683 में यजीद की अचानक मौत ने उसकी फौजों को नाकाबंदी खत्म करने पर मजबूर किया। यजीद की मौत करबला की जंग के सिर्फ 3 साल बाद हुई। उनका इंतकाल 11 नवंबर 683 को हुआ, जो कि 80 साल है जब उसने कबा पर हमला किया और उसका काला कपड़ा जला दिया। इसकी मौत की वजह मालूमात की कमी की वजह से मालूम नहीं की जा सकती है, लेकिन कुछ आरा के मुताबिक उसकी मौत ठीक नहीं हुई। इब्न अल-ज़ुबैर ने अपने आप को खलीफा 683-692 ईस्वी का ऐलान किया और इराक मिस्र उसकी हुकूमत में आ गए। दूसरी तरफ यजीद का बेटा मुआविया सानी, जो कि यजीद की वफात से पहले नामजद था, खलीफा बना। ताहम इसका कंट्रोल शाम के कुछ हिस्सों तक महदूद था, क्योंकि ज्यादातर इलाका इब्न अल-ज़ुबैर के इत्तेहादियों के जेर कंट्रोल था। मुआविया सानी का भी खलीफा बनने के चंद माह बाद नामालूम बीमारी की वजह से इंतकाल हो गया। कहा जाता है कि मरने से पहले उसने अपने वालिद के कामों से खुद को दूर कर लिया था और हुसैन के साथियों पर होने वाले अंजाम पर गम का इजहार भी किया था। अब तक दुनिया भर के बहुत से मुसलमान यजीद को एक बुरी शख्सियत के तौर पर देखते हैं। शिया और सुनी मुसलमान इस पर मुत्तफिक हैं। वो समझते हैं कि यजीद ने जो हुक्मरानी इख्तियार की है, वो हुसैन रजी अल्लाह अनहु के वालिद अली इब्न अबी तालिब रजी अल्लाह अनहु और उनकी औलाद बशमूल हुसैन रजी अल्लाह अनहु की। जैसा कि हम देख सकते हैं कि यजीद और इस के पैरोकार जिन्होंने करबला की जंग में हुसैन रजी अल्लाह अनहु और उनकी कौम को कत्ल किया था, वो ज्यादा देर नहीं चल सका। या तो वो अपनी जिंदगी खौफनाक हालतों में गुजारते हैं या बहुत जल्द मर जाते हैं। अल्लाह ताला उनके साथ वही सलूक करे जिसके वो मुस्तहिक हैं।